भारत में लोग शादी को कितने धूमधाम से करते हैं ये तो आपने जरूर देखा होगा। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं और इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही ऐसी शादी कभी देखी होगी। फिल्मों या किस्सों कहानियों में आपने जरूर सुना या देखा होगा कि ट्रेन में ही शादी होगी, लेकिन असल जिंदगी में आपको बता दें कि पहली बार चलती ट्रेन में शादी हुई है और इस शादी को किसी और ने नहीं बल्कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने करवाया है। आपको बता दें कि ये जोड़ा श्री श्री रविशंकर का भक्त है और दोनों की शादी 18 मार्च को होने वाली थी, लेकिन सचिन चाहते थे कि शादी से पहले गुरु का उन्हें आशीर्वाद मिल जाए और इसके लिए जब वो रविशंकर के पास ट्रेन में पहुंचे तो उन्होंने लगे हाथ इनकी शादी करवा दी। हम तो सिर्फ आशीर्वाद उनसे लेने गए थे ट्रेन में कि गुरु जी हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी 18 अप्रैल को शादी है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो उन्होंने फिर कहा कि अरे इतना अच्छा अवसर है, पूरी दुनिया के लोग हैं अपने साथ, हम आज तुम्हारी इस ट्रेन में शादी करवाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रेन को फूलों से सजा रखा है। ट्रेन में मौजूद लोग इस शादी के साक्षी और बाराती बने। श्री श्री रविशंकर ने दोनों को आशीर्वाद दिया और ये भारत की पहली ऐसी शादी बन गई है जो ट्रेन में हुई। इसके साथ ही ज्योत्स्ना और सचिन ने इतिहास भी रच दिया है। भक्त है, लखनऊ में ये लोग भी गए थे, वहाँ जाने के लिए उनकी मुलाकात हुई। वायरल किडा न्यूज और शादी की बात चल गई तो रविशंकर महाराज जब कल इलाहाबाद आए थे तो हमारा लड़का उनके साथ भी था और फिर लौटते वक्त भी लखनऊ गया तो लखनऊ में ट्रेन में ही दोनों लोगों की रविशंकर महाराज ने शादी करवा दी।